सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, मैं राहुल। विधानसभा चुनाव को लेकर के 2023 मध्य प्रदेश में जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जनता से जानते हैं 2023 का विधानसभा चुनाव जो मध्य प्रदेश का है, क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है या फिर कांग्रेस का कमलनाथ की सरकार की वापसी होती है। तमाम सवालों को लेकर के जनता के बीच में ही लाइव सर्वे शुरू करते हैं। अब की बार किसकी सरकार मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरीके से पूरे देश में इससे में सरगर्मियां हैं, मैं बता दूं पांच राज्यों के जो चुनाव हैं 2024 चुनाव से पहले कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। जो जीता वो सिकंदर होगा 24 चुनाव को लेकर के। तो आइए, जनताएं बैठी हैं, हम इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद हैं ग्वालियर के। तो जनता के बीच में सर्वे शुरू करते हैं कि अब की बार मध्य प्रदेश में जनता का मूड क्या है और क्या चाहती है। देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से जनता भी यहाँ पर मौजूद है सवालों के जवाब के लिए। क्या सरकारें भी मौजूद होंगी बेहतर सवाल के जवाब देने के लिए? तो चलिए चर्चाएं शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव जिस तरीके से बयार चल रहे हैं, कांग्रेस और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़, दोनों तरफ से मैनिफेस्टो भी जारी हो चुके हैं, तो अब की बार सत्ता में क्या बीजेपी वापसी कर रही है या फिर कांग्रेस, किसकी वापसी? चोर चोर मौसे रे भाई, ये दोनों ही पार्टियां आपको पता है किस तरह का काम करती है। चूंकि मेरा नाम, मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 27 से निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं और निर्दलीय चुनाव जीतता हूं। जितने वोट पब्लिक मुझे देती है उतने वोट दोनों पार्टियों के मिलके भी नहीं आते। ये मेरे को जनता का आशीर्वाद है और ऊपर वाले की कृपा है। मैं आपको बता दूं वर्तमान की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के रूप में उत्पन्न हो चुका है। यहाँ पर जनता मोदी जी के यहाँ जाएगी गुजरात के अंदर नौकरी करने के लिए। यहाँ के इंडस्ट्री सभी ख़त्म कर चुके हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर में मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, वो ख़त्म हो चुका है। यहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं रह गई हैं, यहाँ अब मजदूर पैदा हो रहे हैं। मैं गली गली घूमता हूँ, हर आदमी को एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपको सही वोट करना है, अपने बच्चों के तन के कपड़े जिंदा रखना है, अपने बच्चे का पेट भरना है, जय श्री राम बोलने से पेट नहीं भरता, जय श्री राम बोलने से कहीं भी फीस जमा नहीं होती स्कूल की, ना अल्लाहू अकबर बोलने से होती है, पेट की आग रोटी से बुझती है। मैं फिर बताना चाहता हूँ इन सरकारों को, नेक काम करो, ईमानदारी से काम करो, नहीं तो आचार्य चाणक्य ने जैसे राजा नंद के यहाँ पटना में महाराज नंद के यहाँ बोल दिया था कि हम सड़क पर खड़े हुए चंद्रगुप्त मौर्य को इसका सम्राट बना देंगे, ऐसे ही जनता किसी दिन रोड पर खड़े हुए चंद्रगुप्त को सम्राट बनाएगी। जनता जो सड़कों पर खड़ी है चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता देगी। कहते हैं कि जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है, तमाम ये चीजें कही गई हैं। तो जब विधानसभाओं की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो इन्होंने कहा कि दोनों पर विश्वास कैसे करें। दोनों ही कहते हैं कि एक शेषनाग और दूसरे नागनाथ, इस तरीके की कहावतें भी बड़ी प्रचलित हैं, तो विश्वास जनता को नहीं रही। तो आइए कुछ और जनता उनसे भी सवाल लेते हैं कि क्या दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी हो कांग्रेस हो, जनता को विश्वास नहीं है क्या? नहीं, कांग्रेस पर तो विश्वास है, बीजेपी पर विश्वास नहीं है। कारण क्या है इसका? बीजेपी वायदे करती है, झूठे करती है, कांग्रेस इसको यथार्थ में लाती है, जमीन पर लाती है। कांग्रेस तो काम करती है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस काम नहीं करती, कांग्रेस तो सदा काम कर रही है और काम किया भी है। इस देश में सुई नहीं बनती थी जब कांग्रेस ने इस देश में हेलीप्लेन और सारे से चीजें लाई थी। कांग्रेस का तो काम बहुत अच्छा है, बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो देश की जनता के लिए हितकारी हो। कांग्रेस पर विश्वास है तो क्या कमलनाथ पर भी विश्वास मध्य प्रदेश की जनता करेगी? जिस तरीके से लुभाव ने मैनिफेस्टो बीजेपी ने भी जारी किया, कांग्रेस ने भी जारी किया, लगता है कि सत्ता में वापसी होगी कांग्रेस की? कांग्रेस की वापसी पहले भी हुई थी, कुछ चोरों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से यहाँ की कांग्रेस चली गई। पहले भी कांग्रेस, जनता ने विश्वास करके कांग्रेस को ही बनाया था और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। कुछ गद्दारों की वजह से ये गड़बड़ हुआ है, इसको द्वारा जनता अपना सुधार करेगी और 10 मिनट में सुधार करने के बाद इसको द्वारा कांग्रेस को लाएगी इसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट। अब
कि विश्वास है कि जिनको चुनकर भेजेंगे आप, कह रहे कि पंजा आएगा, कमलनाथ आएंगे, तो कमलनाथ के नाम पर आशीर्वाद जिसको मिलेगा, भरोसा है कि पाला नहीं बदलेगा? नहीं, जो 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 हमारे यहाँ जो गद्दार लोग थे वो निकल चुके हैं, अब केवल भरोसेमंद और ईमानदार लोग बचे हुए हैं, जो कि कांग्रेस के लिए ईमानदारों की फौज खड़ी है। हाँ, ईमानदारों की फौज खड़ी हुई है, ईमानदारों की फौज खड़ी है। आप लोगों को क्या लगता है, 24 जिस तरीके से विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर राजनीतिक माहौल है, अब की बार आप लोग को भी विश्वास है कमलनाथ पर या फिर मामा पे? इस बार मामा पे से भरोसा उठ चुका है। इस बार कमलनाथ इससे पहले भी आए थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ विधायकों को खरीद लिया गया, उसके चक्कर में कमलनाथ सरकार गिर गई। दोबारा से अगर मध्य प्रदेश की जनता चाहेगी तो फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार अगर हो सकता है जहाँ तक है कांग्रेस की ही आएगी, जहाँ तक हो सकता है कांग्रेस की आएगी। आइए फिर इसी रूट में चलते हैं, वापसी की बात करते हैं, बड़ा गंभीर विषय हो गया, मामा आएंगे या फिर कमलनाथ, कमलनाथ जी का कमल खिलेगा या भाजपा का कमल खिलेगा, दो बड़ा प्रश्न चिन्ह है, किसकी वापसी? भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए काम करा है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पुनः वापसी करेगी सत्ता में। और शिवराज सिंह चौहान जी जैसा यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिला है और उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश ने नई ऊंचाइयां छुई हैं, तो हम तो आशा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। प्रदेश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त हो। देखिए, एक छोटा सवाल उठ जाता है, और सवाल इसलिए आपसे लेता हूं कि आपने सत्ता पार्टी के ऊपर कहा कि सत्ता में आनी चाहिए, तो सवाल हमेशा सत्ता से होता है, इसीलिए मैं आपसे भी सवाल ले रहा हूं। 20 साल लगभग की सरकार हो गई मामा की, भारतीय जनता पार्टी, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 20 वर्ष जो होता है सफिशियंट होता है, पर्याप्त होता है, तो आपके अगर मैं आकलन की बात करूँ, क्योंकि आम नागरिक भी हैं आप, इस देश के और इस प्रदेश के वोटर हैं, तो 20 वर्षों के कार्यकाल में उतनी प्रगति हुई जितना बेहतर होना चाहिए, सब चीज़ बेहतर है? बीमारू राज्य से मध्य प्रदेश आज विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे खड़ा है, तो विकास तो हुआ है, और आज मध्य प्रदेश की GDP अपन देखें और जो कांग्रेस के शासनकाल की GDP थी उसमें भी अंतर है, तो हमारी नज़र में विकास हुआ है और बीमारू राज्य से प्रगतिशील राज्य में मध्य प्रदेश आया है, ये उपलब्धि है शिवराज जी के लिए। बीमारू राज्य से चलने वाले राज्य तक तो ला दिया, अब दौड़ने का समय है, तो सत्ता में क्या फिर से वापसी हो रही है BJP की? कितना कर्ज लोगे, कितना GPA होगे? 25,000 करोड़ का कर्ज जो दिग्विजय सिंह जी छोड़ के गए थे, आज 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। एक एक बच्चा यहाँ 48,000 रुपये कर्ज में डूबा हुआ है, और स्ट्रीट लाइटों की और रोडों की व्यवस्थाएं देख लीजिए, सारे विधायक सारे मंत्री करोड़पति अरबपति हो गए, तो बिल्कुल भाजपा ने तो खोखला कर दिया मध्य प्रदेश को। और इस बार जनता चंबल संभाग में तो पिछली बार 26 सीटें दी थी, इस बार 32 सीटें 34 में से कांग्रेस को देने जा रही है, कोई भी प्रत्याशी हो। और हमारे यहाँ जो प्रत्याशी हैं सतीश सिकरवाला, जिन्होंने 57 साल का महापौर का रिकॉर्ड तोड़ा है भाजपा का, उनके कंपटीशन में तो कोई प्रत्याशी भाजपा पे था ही नहीं, है भी नहीं, और आगे 10-15 साल होगा भी नहीं। सत्ता में बदलाव क्या इस बार बयार चलेगा मध्य प्रदेश? बयार 32 सीटें बोल तो रहा हूँ, 34 में से 32 सीटें सब मांग में मिलेंगी, और यही पूरे मध्य प्रदेश में रहेगा। सुनामी के प्रयास में है पूरा, 150 के बीच में हम जा रहे हैं, 150 के बीच प्रचंड बहुमत के इस बार उम्मीद में है, आप लोग प्रचंड बहुमत लेकर आएंगे? जनता पूरा इस बार देने। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बार बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, बड़े पैमाने पर लोग कह रहे कि नहीं अब की बदलाव होगा, रीजन पूछने पर विकास से ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी आ रहा है कि बहुत हुआ यार अब कुछ बदलते हैं, तो क्या वाकई लग रहा है कि सत्ताएं बदलेंगी या फिर वापसी होगा? नहीं, जैसा है कि आप भी सब जानते हो कि शिवराज सिंह ने इतनी बढ़िया योजना चलाई लाडली बहना योजना, हमारी जो माताएं बहनें घर में पैसा नहीं मिलता था, अब उनको पर्याप्त पैसा मिल रहा है, लाडली बहना योजना है, आवास योजना है, और शिवराज सिंह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मिनिस्टर भी बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं चाहता हूँ हमेशा BJP आएगी मेरी नज़र में। लग रहा है कि मामा के फिर से वापसी होगी? बिल्कुल होगी मामा की वापसी। जिस तरीके से कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है, विपक्ष की मैं बात करूँ, कल हम लोग जिस तरीके से राजधानी में थे मध्य प्रदेश के, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, उसमें सुप्रिया श्रीनेत ने जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस में कि यहाँ पर BJP सरकार में बहुत ज़्यादा, मतलब उन्होंने बताया तमाम मुद्दों को गिनाया, फिर से उन्होंने कहा कि किस तरीके से कर्ज बढ़े, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, क्या ये चुनावी सिर्फ मतलब बातों में रखने के लिए या फिर वाकई में भ्रष्टाचार की कोई चीज़ें हैं? नहीं, जैसा कि सर आप सब लोग जानते हैं कांग्रेस में आपस में इतनी फूटन है, अभी आपने एक न्यूज़पेपर में ही पढ़ा होगा कमलनाथ जी बोल रहे हैं दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए,
इन लोगों के कपड़े फाड़ी है, फिर भी उनमें इतनी फूटन है आपस में इतनी। अगर ऐसी ही कांग्रेस होती है सिंधिया जी कांग्रेस छोड़ के जाते क्यों? लग रहा है कि आपसी जो मतभेद है कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करेगी? बिल्कुल करेगी। और भाजपा की बात है, जो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ जी भी हैं और दिग्विजय सिंह भी, जो आपसी विवाद है कहीं ना कहीं समस्या खड़े करेगा? बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। आपस में उनमें सहमति नहीं बन रही है। चलिए ठीक।